लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेटी कोई है द्वार पर, रुक क्यों? द्वार खोलो शीघ्र। राजकुमारी की आवाज होती है। राजकुमारी जी, आप इस समय? राजकुमारी जी, आप राजमहल से लौट क्यों आई? आप पर कोई संकट है क्या? हमारे राज्य पर किसी शत्रु राजा ने आक्रमण किया? शत्रु राजा ने नहीं, आपनों ने पिता महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र किया। उनके प्राण संकट में है, किसे? मेरे पिता के प्राण संकट में है। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमारी जी? हे विघ्नहर्ता, हे सुखकर्ता, हे मंगलमूर्ति श्री गणेश, हमें हमारी चिंता नहीं है प्रभु। हमने तो स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, परंतु हमें हमारे पिताजी के प्राणों की चिंता है प्रभु। हमारे पिता के प्राणों की रक्षा कीजिए गौरी पुत्र, हमें कृपा कीजिए। षड्यंत्रकारी उन्हें मार देना चाहते हैं। हे गौरी पुत्र, हमारे पिता के अपराधों को क्षमा कर दीजिए प्रभु। अभिमान ने उनके बुद्धि विवेक को हार लिया है प्रभु, परंतु आप तो दया के सागर हैं प्रभु। उन्हें क्षमा कीजिए और उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। राजकुमारी पर दया करना श्री गणेश, इन्होंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है। इन पर कभी कोई प्रश्न आए, मंगलमूर्ति आपको मेरी सौगंध। ओ गणपते नमः, ओ गणपते नमः, ओ गणपते नमः। दो बार पुकारने पर भी दया से प्रकट क्यों नहीं हुआ? कहीं उस पर कोई संकट तो नहीं आ गया? राजकुमारी राजमहल से भागकर यहाँ छुपी है। रात भर छकाया, बंदी बना लो इसे। चलो। हम अंधे हो गए हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे क्या करें? अवश्य ये स्त्री मायावी और तांत्रिक है। यदि हम राजकुमारी को बंदी बनाने में सफल नहीं हुए तो सेनापति हमें मृत्यु दंड देंगे। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आएगा भी नहीं, क्योंकि पाप बुद्धि और विवेक को कुंठित कर देता है। निर्दोष राजकुमारी को बंदी बनाने के प्रयास में तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसी कारण कुछ समय के लिए
हमने तुम्हारी दृष्टि छीन ली है। कौन है भाई, किसका स्वर है? शांत रह के उनकी बात सुनो। हम चाहते तो तुम्हें इस अपराध के कारण सदा सदा के लिए अंधा बना सकते थे, परंतु इसमें तुम लोगों का कोई दोष नहीं है, महामंत्री और सेनापति का दोष है, जिन्हें हम शीघ्र ही दंडित करेंगे। हमारा कोई दोष नहीं है तो हमारी दृष्टि वापस कर दो। हम आपको नहीं पहचानते, हम आपसे कृपा की भीख मांगते हैं, हम पे दया करो। इस कुटिया से पलट कर बाहर देखोगे तो तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा, किंतु तुमने यदि सेनापति से जाकर ये कहा कि हमने राजकुमारी को देखा है तो तुम सदा सदा के लिए अंधे हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, राजमहल से भागने में सफल हुई। ये उचित नहीं हुआ सेनापति। अब उचित और अनुचित पर विचार करने का अवसर नहीं है। अर्थात? अर्थात हमें एक पल भी व्यर्थ किए बिना महाराज और महारानी को समाप्त करके राज्य पर अधिकार कर लेना चाहिए। तुम ठीक कहते हो सेनापति, तुम अपने विश्वास पात्र सैनिकों को। मेरे विश्वास पात्र सैनिक केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैसे अब किसी अनहोनी की आशंका तो नहीं, फिर भी हम पूर्व योजना के अनुसार महाराज के समीप पहुंच जाते हैं और तुम सेनापति अपने सैनिकों को आज्ञा दो कि महाराज के साथ मुझे भी बंदी बना ले, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार का संदेह न हो। अब इस नाटक की आवश्यकता नहीं है। है, आवश्यकता है सेनापति। कूटनीति की भाषा में जब तक शत्रु जीवित है तब तक सावधान होना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा, आप महाराज और महारानी को लेकर सभा में पहुंचिए, सारा खेल वहीं शुरू होगा। परंतु सावधान रहना सेनापति, और भूल कर भी खेल के समय राजसभा में नहीं आना। महामंत्री रुद्रदत्त, ये सब क्या है? तुम्हारा ये व्यवहार हमारे मन में आशंका पैदा कर रहा है। सच सच बताओ, तुमने हमें राजसभा में आने के लिए विवश क्यों किया? अपनी दुष्टता के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ महारानी जी। मुझे अपने विश्वस्त गुप्तचरों से सूचना मिली है कि महाराज के विरुद्ध भयानक षड्यंत्र किया जा रहा है। आपके प्राणों पर संकट है महाराज, और इसीलिए मैं आपको राजसभा में लेकर आया। ये तुम क्या कह रहे हो महामंत्री? मेरा विश्वास करें महाराज, आप तो जानते ही हैं कि राज सिंहासन के पीछे राजमहल से बाहर निकलने का गुप्त मार्ग है। किसी अनहोनी को टालने के लिए यहां आपको बुलाना मैंने उचित समझा महाराज। बंदी बना लो, अब किसी भी अनहोनी को टाला नहीं जा सकता। यदि किसी ने हिलने का भी प्रयास किया तो हम उसे यमलोक पहुंचाने में पल की भी देर नहीं करेंगे। कौन है ये लोग? इस समय तो आपकी मृत्यु। हम जानते हैं महाराज कि आपको अपने राज सिंहासन से बहुत प्रेम है, इसीलिए इसी राज सिंहासन पर बिठाकर हमने आपको यमलोक पहुंचाने का निर्णय किया है। हमारा निर्णय उचित है ना महाराज? रुक जाओ, मेरे होते हुए महाराज तक नहीं पहुंच सकते तुम। हट जाओ। Yeah!
हमारा षड्यंत्र विफल हो गया है। किसी अज्ञात और अदृश्य शक्ति ने हम सबको तलवारों से घायल कर दिया और षड्यंत्र सफल हो जाने पर मैंने ये सोचा था कि मैं तुम्हें सेनापति बनाऊंगा, लेकिन तुम इतना अधिक मदिरापान करते हो। मेरी बात का विश्वास करे, वो तलवारें बिना किसी सहारे के चल रही थी। मैं सच कह रहा हूँ। तुम सच नहीं कह रहे हो, जो काम तुमसे ना हो सका वो अब मैं करूंगा। Yeah.